आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। हाथीनाला पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम ने हरियाणा नंबर की ट्रक में पकड़ी विदेशी शराब। डीसीएम ट्रक के जरिए हरियाणा के करनाल से झारखंड जा रही थी विदेशी शराब। डीसीएम ट्रक पर लदी 680 पेटी विदेशी शराब बरामद, एक अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार। शिमला हिमाचल प्रदेश का निवासी है पकड़ा गया तस्कर। पुलिस की माने तो बरामद सब की शराब की कीमत 50 लाख है। मुखबिर की सूचना पर हाथीनाला तिराहे के पास से पुलिस टीम ने पकड़ा डीसीएम ट्रक। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हाथीनाला पुलिस SOG सर्विलांस द्वारा एक DCM जिसका नंबर HR 45B 9818 है वो पकड़ी गई। उसमें 680 पेटी शराब थी इंपीरियल ब्लू जो कि अमृतसर पंजाब से आ रही थी और जो ड्राइवर था उस चला रहा था जगदीश वो हिमाचल का रहने वाला है। इसका जो मुख्य मालिक है वो प्रदीप करनाल हरियाणा का रहने वाला है। इस शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है। अभी एक ही लोग पकड़ा गया है जो इसमें ड्राइवर जो लेकर चल रहा है। सर ये उसके मालिक वगैरह जो शराब आती है लगातार पकड़ी जाती है उसमें पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है लेकिन उनके मालिकों को तक पहुँच जो नहीं पा रही है। एकाध लोगों को पकड़ी हाँ मालिक पकड़े गए हैं लेकिन मालिक भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कहीं पंजाब कहीं पंजाब से चल रहा है कहीं हरियाणा से चल रहा है मोस्टली तो काफ़ी लोग हैं तो हम लोग मालिकों तक भी पहुंच रहे हैं। तो जितनी भी शराबें पकड़ी जा रही है जनपद में उनको डिस्ट्रॉय कब तक किया जाएगा क्योंकि काफ़ी मात्रा में शराबें जनपद संबंध में पकड़ ली गई। देखिए उसके निस्तारण की एक प्रक्रिया है जैसे ही कोर्ट द्वारा उनको निस्तारित कर दिया जाएगा मामले को उसके बाद शराब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।